How to fix Realme C11, C12 and C15 display problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आपके जो मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है, आपके जो डिस्प्ले है उसमें अगर प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, किसी ना किसी तरीके का प्रॉब्लम्स, किसी ना किसी तरीके का इशू हो रहा है, तो आप दोस्तों क्या सॉल्यूशन करके यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको इसी के रिगार्डिंग पर जो है सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर आपका जो डिस्प्ले है वो प्रॉब्लम करते हैं, या फिर दोस्तों वो कुछ ना कुछ आपके जो मोबाइल है उसके सॉफ्टवेयर की वजह से भी होते हैं, और दोस्तों कभी कभार क्या होते हैं आपको ये प्रॉब्लम हार्डवेयर की वजह से भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो तरीके का प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आपको कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम जो है आपके मोबाइल के जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर है उसके वजह से कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप उसको ये वीडियो देख के सोल्यूशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हार्डवेयरली ये प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, कौन सा सही स्टेप आपको फॉलो करना है, तो वो भी दोस्तों मैं आपको सजेस्ट कर दूँगा, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो उसके लिए भी वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका डिस्प्ले प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, आपके जो यहाँ पर मोबाइल स्क्रीन है उसमें अगर प्रॉब्लम कुछ भी आ रहा है, तो आप सबसे पहले तो ये चेक करें आपके मोबाइल पर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है या नहीं है जो कि एक बैड एप्लीकेशन हो सकते हैं। बैड एप्लीकेशन दोस्तों वो होते हैं जो आप कोई भी अननोन वेबसाइट से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उस तरह का जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, तो आप उनको जो है एक बार डिलीट कर दें। डिलीट करने के साथ साथ मोबाइल स्पेस को भी चेक करें, अगर मोबाइल स्पेस आपका फुल है तो मोबाइल स्पेस भी दोस्तों आपको क्या करना है, फ्री कर देना है, ठीक है, फ्री आप करना है, डिलीट कर दीजिए आप अपने एप्लीकेशंस को, फाइल्स, फोल्डर्स, ठीक है, उनको डिलीट कर दीजिए, थोड़ा सा मोबाइल को फ्री आप कर दीजिए, कम से कम 40% आपको फ्री करना होगा। उसके बाद दोस्तों मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट करके चेक करके देखिए, आपका इशू फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है डिस्प्ले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। सारे साथ दोस्तों अगर आपका जो मोबाइल सॉफ्टवेयर है वो अपडेट नहीं है तो मोबाइल सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करें। उसके लिए दोस्तों आपको जाना है सेटिंग पर, और जाके आप यहीं से सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद दोस्तों आपका डिस्प्ले का जो भी प्रॉब्लम, जो भी इशू है वो उसी पर फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने मोबाइल के जो डिस्प्ले प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप फिक्स कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मान लीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप एक बार मोबाइल को पूरा फ्री कर दीजिए, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, एडिशनल सेटिंग पर जाके आप बैकअप एंड रीसेट को ओपन करें, उसके बाद दोस्तों जाइए रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग एंड इरेस ऑल डेटा कर दीजिए। जैसे ही आपका इरेस ऑल डेटा आप कर देगा अपने मोबाइल को, तब दोस्तों आपके जो मोबाइल है उसमें उसमें जितने भी डेटास होगा वो सारे के सारे क्लियर हो जाएगा, एंड देन आपका जो यहाँ पर डिस्प्ले प्रॉब्लम कर रहा है वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले प्रॉब्लम तब भी ऑकर होते हैं जब आपके मोबाइल्स जो है फुल हो जाते हैं, ठीक है, स्टोरेज वगैरह, तो क्या होता है आपके जो फ़ोन है वो लैग करना शुरू हो जाते हैं और प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है सॉल्यूशन करके देखना है, ठीक है। तो अगर सॉफ्टवेयरली प्रॉब्लम आ रहा है तो फिक्स हो जाएगा प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए आपके डिस्प्ले क्रैक है, या फिर डिस्प्ले में यहाँ पर कुछ भी तरीके का हार्डवेयरली प्रॉब्लम होगा, तो दोस्तों आप सिंपली जाइए टेक्नीशियन के पास, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप किसी भी सर्विस सेंटर पर जा सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्नीशियन के पास जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो वही दोस्तों एक सही तरीका होगा, क्योंकि अगर आप खुद से फिक्स करने जाओगे तो दोस्तों काफ़ी सारी दिक्कतें आपको हो जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली यही जो सही तरीका है उसको फॉलो करें, सॉल्व कर लीजिए अपना प्रॉब्लम। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।